बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की बात करें तो इनकी शख्सियत क्या है यह हमें बताने की जरूरत नहीं है। इनकी दीवानगी सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी देखी जाती है। शाहरुख ने जो अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान जो नाम और शोहरत हासिल कर लिया है वो वाकई काबिले तारीफ है। शाहरुख जब नए नए इंडस्ट्री में आए थे तो उनका कोई भी माई बाप इंडस्ट्री से ताल्लुकात नहीं रखता था, लेकिन अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर उन्होंने इतना बड़ा स्टार्टअप हासिल करके दिखाया। शाहरुख को एक लंबे अरसे हो गया है बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्म दिए हुए, लेकिन सबके बावजूद उनके स्टारडम में कोई भी कमी नहीं देखने को मिली है। आज भी तमाम निर्माता निर्देशक उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करने के लिए तमाम जतन करते हैं और आज भी वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के महंगे सितारों में से एक माने जाते हैं। अब तक आप भी जान गए होंगे कि शाहरुख खान कितना बड़ा स्टारडम रखते हैं और उनके इस स्टारडम को देखते हुए इंडस्ट्री से जुड़ा हर एक छोटा बड़ा कलाकार उनके साथ काम करने के लिए तमाम जतन भी करता होगा। लेकिन बॉलीवुड की कई सारी ऐसी भी हस्तियां रही हैं जो शाहरुख के साथ काम करना बिल्कुल भी नहीं पसंद करती हैं और कई बार ऐसे भी मौके आए जब इन मोहतरमाओं ने शाहरुख के साथ काम करने से किनारा ही कर लिया। अब आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि शाहरुख जिन्हें बॉलीवुड का बादशाह कहा जाता है उनके साथ इन तीन अभिनेत्रियां क्यों नहीं काम करना चाहती हैं, तो चलिए हम आपको इसके पीछे का कारण भी बता देते हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहले नाम हम हेमा मालिनी का लेने वाले हैं। पत्रिका में एक छपी एक्सक्लूसिव खबर की माने तो हेमा मालिनी शाहरुख को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। हेमा ने एक बार बताया था कि उन्हें शाहरुख का हकलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसी वजह से वह उसके साथ काम करना नहीं चाहती हैं। आपको बताना चाहेंगे कि शाहरुख ने अपने करियर की शुरुआती दौर में एक ऐसी फिल्म की थी जिसकी निर्माता निर्देशक हेमा मालिनी थी। फिल्म का नाम था दिल आशना है और इसी फिल्म को करने के बाद बताया जाता है कि हेमा मालिनी शाहरुख से हमेशा के लिए नफरत करने लग गई थी। कहा तो ये भी गया कि हेमा मालिनी शाहरुख के बोलने के स्टाइल और उनके बालों से बहुत ज्यादा चिढ़ती थी। वो हमेशा से ही शाहरुख के बालों के पीछे पड़ी रहती थी। दूसरे पायदान की बात करें तो इन मोहतरमा का नाम है अमीषा पटेल। अब अमीषा पटेल भी बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री रही हैं। उन्होंने कहो ना प्यार है और गदर जैसी सुपर डुपर हिट फिल्मों में काम किया है और इन्होंने भी काफी ज्यादा लोकप्रियता हासिल की है। लेकिन यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि अमीषा पटेल ने भले ही शाहरुख के साथ कई सारी फिल्मों में काम किया है, लेकिन अमीषा को लगता है कि उनकी इमेज शाहरुख के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और हर बार वो शाहरुख के साथ काम करते हुए हिचकिचाती रही। अमीषा पटेल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था शाहरुख के साथ काम करना। इसी के साथ ही तीसरी अभिनेत्री की बात करें तो इनका नाम है सोनम कपूर और सोनम कपूर भी शाहरुख के साथ काम करने से कतराती हैं। सोनम कपूर की अगर करियर की तरफ नजर डालेंगे तो बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता अनिल कपूर की ये सुपुत्री हैं और इन्हें इंडस्ट्री से जुड़े हुए करीब 10 साल से ज्यादा समय हो गया है। इन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत सावरिया फिल्म से की थी, हालांकि कई बार ये सोशल मीडिया पर ट्रोल भी हो चुकी है। सोनम कपूर हिंदी फिल्मों में आज के समय की टॉप अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती हैं। वहीं सोनम कपूर का भी मानना है कि उनकी और शाहरुख की उम्र में बहुत ज्यादा अंतर है और लोग किसी भी तरह इस जोड़ी को नहीं पसंद करेंगे और यही बड़ी वजह है कि वो शाहरुख के साथ काम करने से कतराती हैं। तो दोस्तों ये थी बॉलीवुड की तीन बड़ी हसनाएं जो शाहरुख के साथ काम करने से कतराती हैं। सबसे पहले हम हेमा मालिनी की बात किए जिन्होंने शाहरुख के साथ इनिशियल डेज में फिल्म की थी। फिल्म का नाम था दिल आशना और इस फिल्म की निर्माता निर्देशक वो खुद ही थी। हेमा मालिनी का शाहरुख के साथ लगाव तो था, लेकिन शाहरुख का हकलाना और उनके बालों को लेकर वो हमेशा से उनसे चिढ़ती थी, इसलिए हेमा मालिनी कभी भी शाहरुख के साथ काम करना पसंद नहीं करती थी। वहीं दूसरी ओर अमीषा पटेल ने भी शाहरुख के साथ कई सारी फिल्में की, लेकिन उन फिल्मों को करते हुए बहुत ज्यादा हिचकिचा भी रही थी और यही हाल सोनम कपूर का भी रहा। सोनम कपूर के मुताबिक उनकी उम्र में और शाहरुख की उम्र में बहुत ज्यादा अंतर है और इस प्रकार की जोड़ी बॉलीवुड फिल्म के चाहने वाले बिल्कुल भी नहीं पसंद करेंगे। और कई बार ऐसे भी मौके आए जब सोनम कपूर और शाहरुख को एक साथ लाने की कोशिश की गई, लेकिन सोनम कपूर कभी भी इस बात के लिए राजी खुद को नहीं कर पाए। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, इन सभी बातों में क्या है सच्चाई? कमेंट कर अपना सुझाव देना बिल्कुल ना भूलें।